हेलो एवरीवन, आप लोगों ने सबने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, जहां हम देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी के फॉर्मल होते हैं, किसी के इनफॉर्मल होते हैं। जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो एक तरीके से बहुत फॉर्मलाइज प्रोफेशनल टाइप्स होते हैं, जहाँ पे बहुत रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी एक अलग से ड्रेसअप्स होती है, तो उसे क्या बोलते हैं फॉर्मल। और एक साइड हम देखते हैं इनफॉर्मल होता है, जहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, सब एकदम फ्रेंडली एटमोसफियर रहता है, वहाँ पे सब बहुत फ्रेंकली बातें करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल, जो कि हम देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। सो दैट इज आज का टॉपिक हमारा वही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। पहले हम लोगों ने इसमें ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, एंड नाउ द सेकेंड टॉपिक, सेकेंड पार्ट दैट कम्स टू दी स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो विल स्टार्ट विथ दी टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन लीनियर और लीनियर स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है, कोई फंक्शनल करती है, कोई कुछ करता है। तो उस केस के अंदर हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन दैट इज लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम देखते हैं जो स्टार्टिंग एंशियंट टाइम्स से ही स्ट्रक्चर यूज होता है। इसके अंदर हम देखते हैं जो अथॉरिटीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम तक अथॉरिटीज दी जाती है, पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट किए जाते हैं। तो वही हम देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। दैट इज सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन जनरल मैनेजर जो कि सबका मैनेजर होता है, दैट इज जनरल मैनेजर। जब हम लीनियर की बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इस केस के अंदर क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेल्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ चाहे तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट या जो भी अदर आपको डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, देन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज ऑफिसर एंड क्लर्क, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो हेड है इसका एक हेड बना दिया गया, उसमें एक परचेज ऑफिसर डिवाइड कर दिया गया और एक प्रोडक्शन ऑफिसर बना दिया गया। प्रोडक्शन ऑफिसर सुपरवाइजर को वर्क देगा, सुपरवाइजर फॉरमैन, एंड ये विल गिव दी वर्क टू वर्कर्स। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया, उसके अंदर एक ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स ऑफिसर, एंड ही विल अलॉट दी वर्क टू क्लर्क्स। सेल्स डिपार्टमेंट इसके ऑफिसर बना दिया गया, ये इसको वर्क दे देगा, ये इसको दे देगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं जब डिपार्टमेंटल, जब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया, तो इसमें क्या किया गया, डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिवाइड कर दिए गए, उसके अंदर हेड्स बना दिए गए, और हेड्स ने क्या किया, अपने नीचे कुछ वर्कर्स और एम्प्लॉयज को रखा गया, जिससे वो क्या कर रहे हैं, अपना वर्क असाइन कर रहे हैं, अपना वर्क अलॉट कर दिया जा रहा है। तो ये है होता है एक तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर। क्लियर है ये चीज? ये जो डिपार्टमेंटल है ये स्टार्टिंग से बहुत पहले से चला आ रहा है, ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन में यही हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। जब हमने फर्स्ट देखा था लीनियर में, उसमें हमने देखा डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया, लेकिन जब हम सेकंड देख रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिपार्टमेंट्स को नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, यहाँ पे फंक्शंस को या वर्क को डिवाइड किया गया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट तो दो ही बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैक्ट्री, मोस्टली ये दो ही डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। बट इसके अंदर क्या हो गया, अब एडमिनिस्ट्रेटिव में इन लोगों ने क्या हुआ, सबके अलग अलग ऑफिसर बना दिए गए, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, डिसिप्लिन, अकाउंट, गाइडेंस, फैक्ट्री में ग्रुप, टाइम, क्वालिटी कंट्रोल, मेंटेनेंस। तो ये क्या हो गया, अलग अलग ऑफिसर्स बना दिए गए, मतलब हर एक फंक्शन के ऑफिसर। अब यहाँ पे दिया नहीं है, नहीं तो परचेस का परचेस ऑफिसर, सेल्स का सेल, मार्केटिंग का अलग, अकाउंट्स का अलग, ये हर एक फंक्शन का, मतलब लिस्ट ऑफ फंक्शन निकाल दिए गए और हर एक फंक्शन का इन लोगों ने यहाँ पे क्या करा, एक ऑफिसर बना दिया गया। अब आप यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखोगे कि सारे ऑफिसर्स ये सेम एम्प्लॉयज पे क्या कर रहे हैं, सेम एम्प्लॉयज को वर्क अलॉट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम वर्कर्स को कर रहे हैं। तो मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी इसे काम देगा, डिसिप्लिन भी इसे, अकाउंट भी इसे, और गाइडेंस भी। अब ये किसका काम पहले करेगा, तो ये एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब हम डिपार्टमेंटल हमने लीनियर देखा तो उसमें क्या था, हर के नीचे कोई ना कोई वर्कर अपॉइंट किया गया था। तो क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रही थी, जब भी वहां पे अपर टू टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अपर चलता है,
क्योंकि जब टॉप बॉटम को देता है तो बॉटम भी वापस वर्क अपना टॉप को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं देखा। यहाँ पे हमने देखा फंक्शंस बहुत सारे हैं, सारे ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए हैं, लेकिन वर्कर्स इसके नीचे ऐसा नहीं है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए अलग वर्कर है और डिसिप्लिन के लिए अलग है, ऐसा नहीं। एम्प्लॉयज वर्कर सब एक ही है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पे फंक्शनल के अंदर ये ड्रॉबैक आ जाता है, क्योंकि असाइनमेंट सिंगल पर्सन को नहीं दिया गया, सारे एम्प्लॉयज सेम। क्लियर है? तो ये हो गया एक तरीके से फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट इज फॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग पर्संस एंड वर्क इज एस्टेब्लिश्ड। फॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से क्या होता है, स्टेप टू स्टेप वर्क करना रहता है। जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल स्ट्रक्चर अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पे स्टेप टू स्टेप आपको यही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोसेस आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी। सारे रूल्स रेगुलेशन बहुत फॉर्मल होते हैं। जो हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज करते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है फॉर्मल स्ट्रक्चर, वही मैंने जो कहा सब कुछ यहाँ पे बहुत फॉर्मल होता है। कोई भी अगर आपको कम्युनिकेट भी करना रहेगा, कोई मैनेजर को, कोई जनरल मैनेजर को बात करनी रहेगी, तो उनको उनके लिए भी एक प्रोसेस है, वो डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते, या तो उनको रिटर्न फॉर्म में देना पड़ेगा, है ना, या कोई और उनका जो प्रोसेस होगा कम्युनिकेशन का वो देना पड़ेगा। तो बहुत फॉर्मल तरीके से ये लोग चलते हैं जहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, देखो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी इतनी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मल है, सब कुछ प्रोसेस वाइज चलता है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी लैक करेगी। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर, इसके अंदर जो पावर्स रहेंगे बेटा वो क्या होंगे, अपर टू लोअर चलेगा। जैसे हमने देखा सीईओ है, फिर वो क्या करेगा, मैनेजर को देगा, फिर मैनेजर्स क्या करेगा, उसके नीचे ऑफिसर्स होंगे, उनके ऑफिसर्स क्या करेगा, वर्कर्स को देगा। तो एक तरीके से ये क्या होगा, डेलीगेशन अपर टू लोअर ही यहाँ पे चलेगा। डेलीगेशन मतलब एक तरीके से क्या करना, पावर देना कि हाँ आपको ये काम करना है, असाइन करना वर्क को। लार्ज साइज, मैंने ये कहा कि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा लार्ज साइज के लिए ही होता है, स्मॉल साइज जल्दी से फॉर्मल स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं करती। पर्टिकुलर रिलेशन, रिलेशन तो क्रिएट होंगे जब टॉप से बॉटम तक पूरा एक रिलेशन ही क्रिएट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया कि इसके बाद इसको बोलना है, इसके बाद इसको बोलना है, तो एक प्रोसेस क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे एक रिलेशन क्रिएट हो जाएंगे। एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे फॉर्मल होगा, ऐसे नहीं मुझे डायरेक्टली अगर मैनेजर से बात करना है तो मैं करूँ, नहीं, आपको उसके लिए पूरी प्रोसेस कम्युनिकेट की जाएगी कि आपको इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। सो दैट इज द कम्युनिकेशन। ये सब हमने यहाँ पे क्या देखे, ये हमने यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। क्लियर? नाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर अगर हम देखें नो फॉर्मल और प्रॉपर चार्ट, इसके अंदर कोई प्रॉपर चार्ट नहीं बनाया जाता, कोई फॉर्मल थिंग्स यहाँ पे नहीं होती, कोई फॉर्मल प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, इनफॉर्मल सब कुछ होता है। जो फॉर्मल का हम बोलते हैं पूरा रिवर्स है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डायरेक्टली सब बात हो जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होगा कि हमें ये फॉलो करके ही जाना पड़ेगा मैनेजर के पास। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस तो यहाँ पे क्रिएट होने ही है, ठीक है। इनफॉर्मली हम कुछ सब कोई बात कर सकते हैं, कोई भी अगर मुझे इश्यूज आएगा तो मैं किसी के पास भी जाके यहाँ पे बात कर सकती हूँ। एवर चेंजिंग, यहाँ पे एवर चेंजिंग मतलब कि अगर हमें किसी को किसी से बात करनी है यहाँ पे तो क्या होगा, अगर कोई हम बोलते हैं कि कोई नया एम्प्लॉय आया या कोई नया एम्प्लॉय गया तो क्या होगा, यहाँ पे जब नया एम्प्लॉय आया या नया एम्प्लॉय यहाँ से गया तो उस केस के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, यहाँ पे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। क्लियर? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हम बोलते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तो सब जगह ही चलता है, हम लोग भी जब बात करते हैं तो इनफॉर्मली बात करते हैं, तो एडुकेशन, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स सब कुछ के केस में क्या होता है, इनफॉर्मल रिलेशन बिल्डअप होता है। देन स्मॉल साइज, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर स्मॉल साइज के लिए होता है, यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर इतना अच्छा नहीं होता, जो हम बोलते हैं फॉर्मल में अच्छा होगा बट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इनफॉर्मल है एंड कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर को ही कॉम्प्लीमेंट देता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव रेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। देन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने लीनियर देख लिया, फंक्शनल देख लिया, फॉर्मल इनफॉर्मल देख लिया। अब मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक तरीके से मॉडर्न फॉर्म है, जो हम बोलते हैं आज के टाइम पे जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलता है वो मैट्रिक्स ही चलता है। इसको एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर है किसका, लीनियर का और फंक्शनल का, दोनों का मिक्सचर होता है मैट्रिक्स। क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ लीनियर एंड फंक्शनल।
क्योंकि जब हमने लीनियर में देखा तो उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट्स हो रहे थे, और फंक्शनल में देखा तो उसमें सिर्फ फंक्शंस के अकॉर्डिंग कि एक भी फंक्शन नहीं छूटे इस तरीके से ऑफिसर्स बना दिए गए। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे जनरल मैनेजर है एंड देन इट इज डिवाइडेड इंटू डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, इंजीनियर डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया। तो ये बोल दिया हमने लीनियर फंक्शन हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 1, 2 और 3 लिखा है, ये क्या है? जब हम ये प्रोजेक्ट नंबर्स की बात करेंगे तो इसमें अब क्या हो गया, मैंने बोल दिया ये जो मैनेजर है ये कंप्यूटर एक्सपर्ट है। क्या है ये? कंप्यूटर एक्सपर्ट, मतलब अगर कोई भी डिपार्टमेंट को इशू आएगा तो ये उसकी हेल्प कर देगा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर है जो कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट में इशू आएगा वो ये कर देगा। फिर मैंने सेकेंड बोल दिया ये एक इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है, कोई भी इलेक्ट्रिक रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज आए तो ये वो क्लियर कर देगा। ये एक इलेक्ट्रिशियन है जो क्या करेगा, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई इश्यू आए तो ये क्लियर कर देगा। तो ऐसे ये क्या हो गया, ये कॉमन फंक्शंस के लिए बना दिए गए। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, तो डिपार्टमेंटल भी हो गया और फंक्शनल भी हो गया। जब हमने लीनियर पढ़ा तो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स बने थे, तो उस केस में अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई इशू आता है तो डिपार्टमेंट वाला ही क्लियर करेगा। अगर उसमें कोई कंप्यूटर रिलेटेड इशू है तो ऐसे नहीं मैं कोई दूसरे डिपार्टमेंट से कंप्यूटर वाले को बुलाऊंगी, वो डिपार्टमेंट वाला ही वो इशू क्रिएट जो हुआ है वो से क्लियर करेगा। लेकिन जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ क्या बोल दिया कि एक पर्टिकुलर मैनेजर बना दिया गया, किसके लिए, कंप्यूटर के फंक्शन के लिए। कोई भी डिपार्टमेंट में कोई इशू आएगा तो वो कौन क्लियर करेगा, वो ये मैनेजर क्लियर कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिशियन अलग से फंक्शन बना दिया, जिसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट में कोई रिलेशन टू इलेक्ट्रिसिटी इशू आया ये क्लियर कर देगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल के लिए मैं एक अलग से फंक्शन मैनेजर बना दिया। तो ये सब क्या हो गया कि अलग अलग फंक्शंस हमने कॉमन फंक्शंस के लिए मैनेजर्स को रख दिया, जो कोई भी डिपार्टमेंट में आए तो इशू ये क्रिएट हो जाएगा तो क्लियर कर देगा। क्लियर है, ये है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो आज के टाइम पे यही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चलता है। सो ये हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिए। अब हमारा टॉपिक जो है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? द डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल इन ऑर्डरली मैनर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इस केस में जब हम बोलते हैं कोई पावर डेलीगेट किए जाते हैं अपर टू लोअर को, कोई पावर्स दे दिए जाते हैं उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी, टू असाइन पावर टू सुपीरियर टू अनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब हायर अथॉरिटीज, सुपीरियर अथॉरिटीज ने अपना कुछ वर्क क्या किया, दूसरे मैनेजर्स को दे दिया, दूसरे मिडिल लेवल या लोअर लेवल को पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि ये काम आपको ही करना है, इसके लिए आप ही लाइबल हो, तो क्या कर दिया इन्होंने, वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? जो टॉप लेवल जो काम करने वाला था वो उसने थोड़ा वर्क डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन करना पावर को, अथॉरिटीज को डिवाइड कर देना कि टॉप लेवल का वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंस दिया है हमें क्विक डिसीजंस तो होंगे, क्यों? क्योंकि सब लोगों को अपना अपना पावर दे दिया, सबको काम बांट दिया, अब किसी को भी कोई इशू आ रहा है तो खुद ही देखेगा, उसको हर चीज के लिए टॉप लेवल के पास जाना जरूरी नहीं है, उसको टॉप लेवल से जरूरत नहीं है, टॉप लेवल ने तो ये काम डिवाइड कर दिया, अब उसने बोल दिया अब इसके लिए तू ही रिस्पॉन्सिबल है, जो देखो करना है तू कर, तो क्या हो गया, सबके पास अलग अलग काम हो गए, अब काम कितने फटाफट क्विकली डिसीजन क्रिएट हो पाएंगे, नहीं तो हर चीज के लिए टॉप लेवल के पास जाओ तो डिसीजन नहीं होते जल्दी क्रिएट, तो इसमें डिसीजन जल्दी क्रिएट हो जाएंगे। लेस वर्कलोड ऑन टॉप लेवल, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइज काम को डिवाइड कर दिया, जब काम को डिवाइड कर दिया तो उस केस के अंदर वर्कलोड किसका कम हो गया, टॉप लेवल का। इंक्रीजिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन तो बढ़ेगा, एम्प्लॉयज को ही आपने पावर दे दिया कि तू ही देख, देखो जो डिसीजन लेना है तू ले देख, तो उनके अंदर क्या होगा, एक तरीके से एनकरेजमेंट आएगा कि यार हमको ये पावर दिया है कि हम ही सब चीजें देख लें, वाह ये तो अच्छी चीज हो गई, मोटिवेशन तो आएगा ही ना, नहीं तो हर काम के लिए मुझे पूछना पड़ता है, मतलब मेरे पास तो कोई राइट ही नहीं है यार, तो इस केस के अंदर क्या होगा, मोटिवेशन आएगा एम्प्लॉयज को, वो एनकरेज होंगे और बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। देन इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज, सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज आएगी और वो अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबको अपना अपना पावर दे दिया गया, तो वो और अच्छे से अपनी एबिलिटीज का यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल इसके अंदर होगा,
क्योंकि सबको वह काम दिया है तो सब अपना काम अच्छे से करेंगे और कंट्रोलिंग पावर और अच्छे से होगा। हारमोनी इज क्रिएटेड, सबके पास अपना अपना काम है लेकिन सब एक दूसरे की कॉपरेशन से भी करते हैं, यूनिटी से भी करते हैं। जब सब लोग एक दूसरे से कॉपरेशन मिलके करते हैं तो उस केस में क्या बोला जाएगा, एक तरीके से यूनिटी क्रिएट होगी। तो ये हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंस देखे जो कि बहुत जरूरी है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। देन लास्ट इज दैट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब डेलीगेशन क्या होता है? टू डेलीगेट पावर इज टू अनेबल द अदर पर्सन टू हैव पावर फॉर डूइंग द टास्क वेल, बट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द अपर लेवल ओनली, ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दैट। देखो डेलीगेशन में क्या होगा कि पावर दे दिया गया, सुपीरियर ने पावर दे दिया जूनियर लेवल्स में, लेकिन बस उसने ये बोला आपको ये काम करना है, बाद में उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? सुपीरियर। मैंने अगर कोई काम दिया है तो मैं उसको वापस मैं ही देखूंगी, मैं उस पर नहीं छोड़ सकती, उसे बोला जाता है डेलीगेशन। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने उसी को पावर दे दिया था, वही पूरा डिसीजन लेगा, मैं उसके लिए लाइबल नहीं हूं, अगर उसने कुछ गलत किया तो वो लाइबल है, लेकिन डेलीगेशन के अंदर मैं लाइबल हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बस उसको काम दिया है, एट लास्ट देखना मुझे है उसे, तो लाइबल कौन हूं? मैं लाइबल हूं। सो दिस इज डेलीगेशन कि मैंने कुछ पार्ट उसे करने को दिया है, उसके बाद देखना मुझे ये उस चीज को, दैट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। इंपॉर्टेंस वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट वही कि मैंने काम दे दिया तो वो काम वो लोग कर लेंगे, मुझे सिर्फ एक बार देखना है तो मैं काम मेरा एफिशिएंटली कर सकती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का क्या होगा इसके अंदर? डेवलपमेंट तो होना ही है, क्यों? क्योंकि उनको हम टॉप लेवल वाले भी काम देंगे, मैं उन्हें थोड़ा बहुत काम दूंगी तो उनका डेवलपमेंट तो होगा ना, नहीं तो वो एक ही काम कर रहे थे। लेकिन जब डेलीगेशन की बात आई तो मैं मेरा काम थोड़ा उनसे कराऊंगी तो उन्हें नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो डेवलपमेंट तो होना ही है। मोटिवेशन, उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आएगा, जब उन्हें एक एक काम दिया जाएगा बार बार में तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा। देन कोऑर्डिनेशन होगा एंड स्कोप फॉर एक्सपांशन। जब हम टॉप लेवल जब अपना काम जूनियर से करवाता है, मिडिल लेवल से करवाता है, तो क्या होता है उनके पास थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है। जब वर्कलोड कम होता है तो उनके पास एक्सपांशन का स्कोप आ जाता है कि हम कुछ और ग्रोथ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका उतना टाइम सेव हो जाता है, तो यहाँ पे एक्सपांशन भी क्रिएट हो सकता है। एंड लास्ट इज एलिमेंट्स। अब इसके एलिमेंट्स क्या है जो हम डेलीगेशन देख रहे हैं, उसके एलिमेंट्स है एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैंने क्या कर दिया, मैं सिर्फ उसे काम दे दूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगी कि ये काम तेरे को करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी। कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी मतलब कहीं कहीं मैं उसे क्या कर सकती हूँ, ऑथोरिटी भी दे दूंगी। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैंने दी, मैंने ऑथोरिटी भी दे दी कि जो मार्केटिंग ऑफिसर है उसको अगर कोई ऑफिसर अगर कोई एम्प्लॉयज चाहिए तो खुद अपॉइंट कर ले, इसमें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मैंने उसको ये ऑथोरिटी भी दे दी। तो इसमें कभी कभी ऐसे ऑथोरिटीज दे दी जा सकती है। एंड लास्ट इज क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मैंने जो भी काम दिया है लास्ट में देखना किसे, मुझे देखना है, कुछ गलती होगी तो कौन अकाउंटेबल है, मैं अकाउंटेबल हूँ। तो दैट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। जो मैंने सेकंड बोला कन्फर्मेंट ऑफ ऑथोरिटी, उसमें ध्यान रखना कि वो कभी कभी होगा कि कोई एक पार्ट आपने बोल दिया कि ये तू ही देख ले, समझ में आया? नहीं तो जो भी जितना भी काम दूंगी मैं खुद ही उसके लिए लाइबल हूँ, मैं खुद ही उसके लिए अकाउंटेबल हूँ। लेकिन मैंने उसे ये बोल दिया अगर तुझे कोई और एम्प्लॉयज अपॉइंट करने तो तू कर सकता है, वो पावर मैंने इसे दे दिया। लेकिन एट लास्ट जो उसने पूरा काम किया है उसको देखना किसे, मुझे देखना है, मैं उसके लिए लाइबल हूँ, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ। क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, जो हमने देखा सेकेंड पार्ट था मैनेजमेंट का, सेकेंड फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड फंक्शन। क्लियर है? आई थिंक इट्स डन एंड मेरे हिसाब से सबको अच्छे से समझ में आया है। सो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, सो बाय।